मेरा एक सजेशन है उन सभी लोगों के लिए जो कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो भाई कार खरीदने से पहले आप पार्किंग का बंदोबस्त करें, क्योंकि पार्किंग के बिना कार लेना वेस्ट है। बिकॉज जिस तरह से मैं खुद फेस कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेस। और पार्किंग भी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि आप रास्ते पे खड़ी कर रहे हो या कहीं पे भी खड़ी रख दिया, बिकॉज गाड़ी खड़े खड़े उसको स्क्रैचेस लगते हैं, कोई टच करके चला जाता है, कोई डोर खोलते वक्त उसको स्क्रैच मार, तो बहुत सारे स्क्रैचेस लग जाते हैं। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन है उन सभी लोगों के लिए जो कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो भाई कार खरीदने से पहले आप पार्किंग का बंदोबस्त करें, क्योंकि पार्किंग के बिना कार लेना वेस्ट है। बिकॉज जिस तरह से मैं खुद फेस कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेस, क्योंकि आपके इतने पैसे जो हार्ड अर्न मनी है जो आप लगाते हो। और गाड़ियों का ऐसा है कि मुझे लगता है यार, ये मार्केट ऐसी है ना गाड़ियों की, कि आप अगर सोच समझ के अगर गाड़ी नहीं खरीदते हो तो आपकी बहुत सारे पैसे जो है वेस्ट हो जाते हैं। मेरे भी ऐसे हज़ारों रुपए अभी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जब गाड़ी लिया था उस वक्त मार्केट बहुत हाई था, और उस टाइम पे मैंने गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव ले ली। पर अब जो मार्केट है वो थोड़ा टूट रहा है, और गाड़ी का रेट इतना कम मिल रहा है मुझे कि मेरी जान जल रही है। और मैंने गाड़ी लिया था उसमें मेरा हाफ मैंने कैश पेमेंट किया था और हाफ मैंने ईएमआई किया था क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने जो पेमेंट किया था वो पूरा पैसा मेरा, मैं ईएमआई पे ईएमआई भर रहा था, बट वो पूरा पैसा मेरा वेस्ट हो गया, बिकॉज़ वो पैसा मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा। और अगर मैं यही ईएमआई भर के अगर मैं कोई अच्छी चीज़ खरीदता, जैसे कि अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीद लेता या कहीं इन्वेस्ट कर देता वही पैसे को, तो शायद वो पैसे मुझे रिटर्न मिलते, या एटलीस्ट जितना खर्चा हुआ उतना तो मिलना ही चाहिए था। तो जब मैंने ये कार परचेज किया था तब ये सेकेंड ओनर थी और मैं थर्ड ओनर बनने वाला था। तो उस वक्त पे मुझे कार का फ्रेंकली स्पीकिंग इतना कोई नॉलेज नहीं था। आई वॉज हैविंग जीरो आइडिया अबाउट हाउ टू परचेज अ कार एंड ऑल। तो मैं ब्लाइंडली मैंने ट्रस्ट किया अपने छोटे भाई पे, बट ठीक है, उसको भी इतना अंदाज़ा नहीं लग पाया शायद। तो कार तो बहुत बढ़िया मिली हम लोगों को, और अच्छी कार है, मतलब नॉन एक्सीडेंटल कार है, रिच फील आता है, इंटीरियर अच्छा है, थोड़ा बहुत काम होता ही है अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो, बट मेरे ख्याल से इसमें मतलब इंटीरियर के बेस पे है ना काफ़ी कुछ काम था, आधे से ज़्यादा काम तो मैंने करवा दिया। और मुझे उस वक्त ये कार पड़ी 2 लाख में, और जब मैं बार्गेनिंग कर रहा था तो साला वो डीलर ने 1 रुपया कम नहीं किया। मतलब उसने जो 2 लाख बोला था ना स्टार्टिंग से, 2 लाख जो पकड़ के बैठा हो, तो 2 लाख तो 2 लाख तो 2 लाख करके उसने मेरे को 2 लाख में ही चिटका दिया ये गाड़ी। जबकि उस वक्त जब मैं खरीद रहा था ना, मतलब हर एक चीज़ का एक वैल्यू होता है ना, भले ही वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, बट आई इट वॉज गोइंग टू बी फ्रॉम सेकेंड ओनर टू थर्ड ओनर होने वाली थी वो, तो उसका वैल्यू एक्चुअली मैंने ये रियलाइज़ किया कि ओनर टू ओनर वैल्यू कम हो जाता है गाड़ी का, चाहे गाड़ी कितनी अच्छी क्यों ना हो। तो उस हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, जैसे 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई थी, ये सब चीज़ें शायद उस वक्त नज़रअंदाज हो गई, या एक्साइटमेंट में जो होता है ना, वही मैं बोलने जा रहा था कि एक्साइटमेंट में जब भी हम कोई काम करते हैं ना, जबकि हमारे पास 3 से 4 दिन थे गाड़ी को देखने समझने के लिए, मैंने टोकन भी दे दिया था पहले ही नज़र में, जब मुझे गाड़ी इतनी पसंद आ गई थी पहले ही नज़र में, मैंने ना मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने टोकन भी दे दिया था कि भाई ये गाड़ी मेरे लिए रखना, कम नहीं कर रहा था रेट, फिर भी मैंने टोकन दे दिया था सोचो, तो खरीद लिया। पर अब जब मैं फेसबुक पे और हर जगह जब मैं एड्स डाल रहा हूँ, तो इतना गंदा भाव आ रहा है भाई ये गाड़ी का कि जान जल रही है। और मैंने तो इतना स्ट्रगल करके, इतना मतलब मैंने ईएमआई वीएमआई के चक्कर में पड़ के, क्योंकि मेरे पास कैश सिर्फ 1,30,000 था, और बाकी का मैंने ना ऑलमोस्ट 90,000 रुपये, क्योंकि और भी ऊपर ऊपर के खर्चे होते हैं ना, जैसे इसका पेपर बनाना होता है, पेपर भी नहीं था सोचो, पेपर ट्रांसफ़र का खर्चा मैंने उठाया, इंश्योरेंस का खर्चा मैंने उठाया, डैशबोर्ड मैंने बनवाया, गाड़ी की नई चाबी उसके ऊपर सोने पे सुहागा, गाड़ी की पुरानी चाबी गुम गई, गाड़ी की पुरानी चाबी मैंने बनवाया, सस्पेंशन थोड़ा मतलब जो पुरानी गाड़ी होती है सीएनजी होता है ना, तो क्या होता है कि थोड़ा गाड़ी अपने इंडिया में कहते स्पीड ब्रेकर है ना पहाड़ जैसे होते, तो ऐसे पहाड़ जैसे स्पीड ब्रेकर में चढ़ने के लिए गाड़ी एकदम परफेक्ट थी उसकी हाइट के हिसाब से, बट बिकॉज अपने स्पीड ब्रेकर, ये देखो अभी आया स्पीड ब्रेकर,
इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं ना कि गाड़ी की थोड़ी सी हाइट बढ़वाने के लिए एक ऐसे एक सस्पेंशन के बीच में ना एक रबर लगाना पड़ता है। वो रबर लगवाया तो हर एक चीज का खर्चा इतना बैठा मुझे, और मैंने हर एक चीज का वीडियो भी बनाया था ये सोच के कि अपलोड करूंगा, पर अपलोड इसलिए नहीं किया, मैं बोला यार ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा गाड़ी के बारे में, कल को गाड़ी बेचते जाऊंगा तो वैल्यू नहीं मिलेगी, पर जबकि मुझे डालना चाहिए था वीडियो, बिकॉज इट वुड हैव बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी आउट देयर जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उनके लिए एक सीख होती थी कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए कैसे, बहुत अच्छा एक कॉन्टेंट बनता था, बट मेरा मन नहीं किया कॉन्टेंट अपलोड करने का, काफी सारे वीडियोज है पेंडिंग मेरे मोबाइल में अभी भी पड़े हुए, तो मैंने डाला नहीं। जितने भी खर्चे हुए, जितने भी काम हुए, बीच बीच में ऐसे अचानक से कुछ काम दे देती थी। तो गाड़ी पालना जो है ना भाई, बहुत हाथी पालने जैसा शौक है, तो अगर आप गाड़ी पाल रहे हो तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले सबसे पहले एक अच्छा शेडेड और कवर्ड पार्किंग का बंदोबस्त हो आपके पास, तो ही आप गाड़ी लो। दूसरी चीज, आपके पास इतना बजट हो कि भाई हर महीना कम से कम आपको है ना एक ऑन एन एवरेज, साल में अगर आप एवरेज निकालो पूरा, तो एक 2,500 से 3,000 रुपये आपको पकड़ के चलना है गाड़ी के ऊपर खर्चा करना है आपको। और अगर आपकी गाड़ी चल रही है, मतलब आप अगर यूज करते हो रनिंग में, तो आपको फ्यूल का भी वो हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्यूल का भी आपको काउंट रख के चलना पड़ेगा कि भाई इतना फ्यूल जा रहा है आपका। तो उस हिसाब से मेरा यही बोलना था कि भाई मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली ये रहा फोर व्हीलर लेके कि मेरे को यूज नहीं आ रही है फोर व्हीलर सबसे पहली बात, क्योंकि मेरी वाइफ और बच्चे जो भी है उन लोग को इतना शौक नहीं है यार फोर व्हीलर में घूमने का, मैंने ये रियलाइज कर लिया। बाइक परवड़ जाती है लोग को, बट जब वो गाड़ी में बैठते ना उनको वॉमिटिंग जैसा लगता है, उनको शौक ही नहीं है फोर व्हीलर में घूमने का। जैसे कई लोगों को शौक होता है ना कि भाई हमको घूमना है, फोर व्हीलर में जाना है, गाड़ी में घूमना है, अब्बा घुमा के लाओ, वैसा ना बच्चों को शौक है ना ही मेरी वाइफ को शौक रहा। तो इस चक्कर में क्या हो गया, गाड़ी अपने को थोड़ी अटक गई, अपने गले में अटक गई, इसी रीजन से मैं गाड़ी बेच रहा था। बट अब जो गाड़ी का वैल्यू आ रहा है ना भाई, इतना कचरे की जैसा वैल्यू आ रहा है, मतलब मेरा ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, 1,00,000 रुपए का, नहीं बोल के भी ना मेरा 1,00,000 रुपए का कम से कम नुकसान हो जाएगा। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैंने गाड़ी लिया था तभी जैसे मैंने बोला मेरे पास कैश था 130, बाकी का मैंने ऊपर से 90,000 रुपये और कार्ड वार्ड से घस के निकाला, तो मुझे अभी जो मेरा लॉस हो रहा है ना ऑलमोस्ट वो जो 90,000 मैंने एक्स्ट्रा जो भरे ना वो 90,000 का लॉस हो रहा है मुझे एग्जैक्टली, उससे भी ज़्यादा ही हो रहा होगा। बट अभी ऐसा है कि भाई अब गले में अटका के रखने से अच्छा है कि मैं बेच दूँ चाहे लॉस भी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे ही और खड़ी रहेगी ना। अब इसका पासिंग आने वाला है अगले साल, मतलब सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर, 9 मंथ्स में इसका ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे, ग्रीन टैक्स बनाना पड़ेगा, फिर वापस से इंश्योरेंस, अभी अगले महीने इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा, फिर अगर मेरे यूज में आ रही है गाड़ी तो गाड़ी बेचने लायक नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बट मेरा मानना ऐसा है कि अभी मैं इसमें और खर्चे करूं, समझ रहे हो आप, वर्थ नहीं है, क्योंकि और खर्चे करूं भले एक 2,000-5,000, 10,000, 20,000 जो भी है, 18,000 से 20,000 रुपए हो रहा है मेरा ग्रीन टैक्स और इंश्योरेंस सब करा के, मतलब 20,000 में ना गाड़ी मेरे को और 5 साल में चला सकता हूँ, इतनी अच्छी गाड़ी है। लेकिन रीजन ये है कि अगर मैं और 20,000 खर्चा करता हूँ तो आप जोड़ लीजिए कि पहले 2,00,000 में गाड़ी लिया, फिर उसके पेपर में खर्चे हुए, फिर उसके ये सब जो भी छोटे ऊपर के जितने भी खर्चे थे सब मिला के ना, कुल मिला के मेरे को गाड़ी है ना कम से कम 2,50,000 में पड़ गई होगी, 2,50,000 का तो मेरे को आराम से पड़ी होगी गाड़ी। और अब जब मैं बेचने जा रहा हूँ तो मेरे को आ रहा है वैल्यू 130 और 135 के आसपास, मतलब 140 भी देने के लिए लोग सोच रहे 10 बार, 140 के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यार चल ठीक है, मरी से मरी हालत में 1,50,000 चाहिए था मेरे को, मैं तो 170 पकड़ के बैठा था। अच्छा एक टाइम पे मेरे को है ना गाड़ी का 165 का ऑफर भी आया था, और बंदे ने ऐसा भी मैसेज किया था कि भाई आप जैसी कंडीशन में है ना वैसी कंडीशन में दे दो मेरे को, आई एम रेडी टू टेक इट, बट उस टाइम पे मेरा भाव इतना चढ़ा हुआ था, आज से 3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने उसको साफ मना कर दिया, बोला नहीं भाई बेचूंगा तो 190 में बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा, जा रखूंगा मैं गाड़ी, 190 करके मैंने छोड़ दिया सब, 170, 165, 160 के ऑफर आ रहे थे, अब 160 मांग रहा हूँ तो 160 देने को कोई तैयार नहीं है, तो अब सिर्फ मुझे मिल रहा है 130, 135 का ऑफर। और भाई माशाल्लाह अगर आप
OLX, पिनी, कास्ट 24, ये सब साइट पे तो जाना ही मत गलती से भी, क्योंकि ये सब चूतिया बनाने वाली साइट है। इन लोग जो भाव तोड़ते हैं ना भाई, स्क्रैप वाला भाव में देते हैं लोग गाड़ी, जो एड दिखाते ना इतने, अरे घर बैठे गाड़ी बेचो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। आप जब गाड़ी बेचने निकलोगे ना तो एकदम ऐसा कचरे का भाव बोलेंगे ना, स्क्रैप में आप डालोगे तो उससे अच्छा भाव मिल जाएगा आपको। तो नेवर गो फॉर दीज एप्स, ये भी एक सबक है सीखने लायक। तो ऐसी सब चीजें हैं, अभी क्या करेंगे, अभी बेचना है तो बेचना है, क्योंकि अगर मैं और रखूंगा और खर्चे करूंगा तो मैं और ज्यादा लॉस में जाऊंगा, इसी रीजन से मैं बेच डाल रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अब इससे पहले कि इसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाए और इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मुझे ये किसी भी हालत में बेचना होगा। गाड़ी को मिस करूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी गाड़ी मिली थी नसीब से, बट यही है, कोई भी चीज़ के ऊपर उतना ही खर्चा करो कि आपको उसका उतना वैल्यू भी मिल पाए। अब इसको मैं अगर खर्चे करते जाऊँ और एट द एंड मेरे को इसका वैल्यू नहीं मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेचने की यही है कि अपने पास पार्किंग का जगह नहीं है और अपने पास पार्किंग के अलावा यूज़ नहीं हो रही है। तो ये रीज़न है सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसके लिए मैं गाड़ी बेच रहा हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर एक चीज़ को अगर मैं सम अप करूँ तो ये है कि भाई फोर व्हीलर लेने से पहले चार जानकारों से एटलीस्ट सलाह लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फोर व्हीलर लेना कोई बड़ी बात नहीं है बट पार्किंग होना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले एक ऐसी कवर्ड और शेडेड पार्किंग का बंदोबस्त हो अगर आपके पास, तो ही फोर व्हीलर लें। और ज़्यादा ओनर वाली फोर व्हीलर ना लें, क्योंकि अगर आप सेकेंड या थर्ड ओनर बन जाते हो ये, तो उससे ज़्यादा आपको फिर आगे चल के उसका वैल्यू बहुत ही टूट जाता है और आपको फिर रीसेल वैल्यू नहीं आएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान आपको रखना है फोर व्हीलर लेते टाइम। ये सबक मैंने सीखा है तो मैंने सोचा क्यों ना इस सबक को मैं ऑनलाइन डालूं, ताकि कल को अगर मैं भी देखूं पलट के भाई क्या सबक सीखा था मैंने फोर व्हीलर लेके, तो मैं देख सकूं और जो लोग, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे देखते हैं, उनको भी समझ में आए कि भाई अगर फोर व्हीलर लेना है तो सबसे पहली बात तो दिल से नहीं दिमाग से काम लें और सोच समझ के फैसला करें, भावताव करके लें। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है गाइस, और कुछ नहीं। और आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और दुआ कीजिए कि मेरी गाड़ी जल्द से जल्द अच्छे रेट में बिक जाए। काफ़ी सारे लोग देखकर जा रहे हैं, एक दो पार्टी और आज भी आने वाली है, इंशाल्लाह बिक जाएगी तो पार्टी करेंगे अपन। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।